जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉमन पोर्टल DUCACS इज लाइव नाउ, लेकिन ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉमन पोर्टल का सारे PDF फॉर्मेट में अपलोडेड है दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट में, तो क्या आपको गलती नहीं करना है जिससे आपका एडमिशन कैंसिल ना हो, तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा। एक चीज मैं और ऐड करना हुआ है ब्राउनी पॉइंट आपका जो है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म तब भरना है जब आपका CUET का रिजल्ट आ जाएगा, ये एक सजेशन है, तो उसे आप ले लीजिएगा। जल्दबाजी करके कोई फायदा नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वेट करना है अपना CUET का रिजल्ट के, उसके बाद आप रजिस्टर वहां पे करिएगा और वो भी 2-3 दिन में आ ही जाएगा। और एक चीज आ जाएगा कि क्या क्या चीज में चेंजेस बिल्कुल भी नहीं होगा जो आपका एडमिशन कैंसिल भी करवा देगा, तो वीडियो बिल्कुल भी एंड तक देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी न्यूज डालता हूं, तो आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग अभी ऑथेंटिसिटी के साथ सारे न्यूज मिलते रहेंगे। और अगर कोई भी डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम का भी लिंक जो है मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंट कमेंट में, वहां पे 500+ मेंबर्स है SRCC के एस्पिरेंट टॉपर, तो वहां पे भी आप बात कर सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, कॉलेज प्रेफरेंस का वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी, मैं स्ट्रेटजी वीडियो डाल रहा हूं कैसे आपको फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा आउटपुट और ज्यादा से ज्यादा बेटर कॉलेज मिल पाएंगे, तो कॉलेज प्रेफरेंस आने वाला है वीडियो, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे कि आपने स्क्रीन में देख सकते हैं, पेरेंट्स नेम, कैटेगरी, जेंडर, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, तो अगर ये गलती हो गया है ना, तो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो स्पेलिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा और सही डिटेल भरिएगा इसमें, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है आपका एडमिशन का प्रोसेस के लिए, तो ये एडिटेबल भी नहीं है। बहुत यूट्यूबर ये बोलते हैं कि कोर्सेस मैक्सिमाइज करके अपना फॉर्म में भरने के लिए, लेकिन एक चीज याद रहेगा कि अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी गलत रिजेक्ट हो सकता है, जैसे कि यहां पे स्क्रीन में रखा है। और CUET का जो भी क्रूशियल था, जो डिसाइडिंग फैक्टर है जिसमें आप एलिजिबल कोर्स एलिजिबल कर सकते हैं, वो उसमें भी आप एब्सेंट थे या फिर आप नहीं दिए, मतलब कि स्टेट अवे अगर आपका कोर्सेज में आप एलिजिबल नहीं है तो उस कोर्स को बिल्कुल भी ऐड करने का जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली नहीं लेगा। फिर आता है आपका कॉलेज कैसे भरना है, कॉलेज मैक्सिमम नंबर भरिएगा अपना शीट में, अपना कॉलेज प्रेफरेंस में, लेकिन सबसे हाईएस्ट नंबर में जो रखेगा कॉलेज प्रेफरेंस का तो वीडियो आ जाएगा, लेकिन टॉप से लेकर बॉटम तक ऐसे तरीका से ही जाइएगा, बिफर आप लोग ऑटोमेटिकली अपने ऊपर मत सोचल जाएगा कि लास्ट वाला जो है मुझे तो यही कॉलेज मिलने वाला है, मुझे साउथ कैंपस ही मिलने वाला है, तो इसलिए टॉप में डाल देता हूं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपको SRCC डालना है, फर्स्ट में बीकॉम ऑनर्स लग रहा है, तो SRCC ही डालिएगा क्योंकि वही टॉप कॉलेज है। फिर आता है आपका क्लास 12 का डिटेल्स भरने का एकेडमिक में, वहां पे बहुत क्लियरली लिखा है कि आपको सिर्फ क्लास 12 का डालना है। अब बहुत लोग पूछेंगे बेस्ट ऑफ 4 डालना है या बेस्ट ऑफ 3 डालना है, तो बिल्कुल जो भी आपका सब्जेक्ट था क्लास 12 में फुल, अगर आपके पास 5 था या 6 था, तो पूरा 6 का 6 सब्जेक्ट आपको डालना है, बिल्कुल भी एलिमिनेट मत करिएगा वहां पे। फिर दूसरा बात आता है कि क्या आप चेंज कर पाएंगे, बहुत लोग का रिवैल्यूएशन चल रहा है, बहुत लोग पास फेल थे, पास होने का आ गए हैं, तो वो आपको चेंज करने के लिए दे देगा, करेक्शन विंडो टाइप आ जाएगा जहां पे आप अपडेट कर पाएंगे। फिर और एक चीज क्या होता है, क्लास 11 और 12 का बहुत सारे मार्कशीट्स में एक साथ दिया रहता है, तो आपको सिंपली क्लास 12 का ही देना है, तो आप लोग के लिए इतना ही काफ़ी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का PDF जो है वो बहुत अच्छा तरीका से पड़ेगा, आपको सारा वहाँ पे डाउट्स क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर कोई भी डाउट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेटेस्ट वीडियो के लिए वेट करते रहिएगा। अभी एप्लीकेशन फॉर्म मत भरेगा, रिजल्ट के बाद ही डालेगा, 3 अक्टूबर लास्ट डेट, अप्रॉक्सीमेटली 21 डेज आपको दिया गया है, तो वेट करेगा ये वीडियो का आने के लिए, उसके बाद ही डालेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।